Today I am going to tell you three simple hacks जिससे आप अपनी डाइट के अंदर राइस को इंक्लूड कर पाएंगे वो भी बिना शुगर स्पाइक्स के। नंबर वन कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। अपनी प्लेट में डायरेक्टली राइस ऐड करने की जगह पहले राइस को एक कटोरी में डालें, फिर उसे आप अपनी प्लेट में ऐड करें ताकि आप उसको ओवरईट नहीं करें और उसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें। नंबर टू कि राइस को कभी भी अकेले नहीं खाएं, उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन का सोर्स और एक बहुत ही अच्छा फाइबर का सोर्स जरूर ऐड करें। फाइबर एंड प्रोटीन दोनों मिलकर जब आप राइस के साथ इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं होने देगा। नंबर थ्री इज द बेस्ट हैक दैट यू कैन डू। देयर इज अ स्टडी दैट शोज कि अगर आप राइस को डायरेक्ट कंज्यूम करने की जगह पहले आप राइस को पकाकर फिर 24 घंटे के लिए ठंडा करें तो उससे उसके जो अंदर प्रेजेंट है रेट्रोग्रेडेशन नाम की प्रोसेस होती है जिससे उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च इंक्रीज हो जाता है, जिससे पता लगता है कि अगर आप राइस को इस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स है वो काफी कम रहता है। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हिच इज द वे दैट यू कंज्यूम योर राइस।